आज हम जब गाड़ी लेने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले अपना बजट चेक करते हैं। फिर बजट में चेक करने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा बजट किस सेगमेंट की गाड़ियों को अलाउ करता है। फिर हम गाड़ी जब लेने का मन बना ही लेते हैं, तय कर लेते हैं, तो फिर जिस सेगमेंट में जाते हैं उस सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियों को देखकर हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपको हैरियर क्रेटा सेल्टस की एक कंपेरिजन वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट में बताऊंगा, 7 पॉइंट में गाड़ियों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद लास्ट में काउंट करके बताऊंगा कि किस पॉइंट में कौन सी गाड़ी ज़्यादा परफॉर्म की है, उस हिसाब से मैं फर्स्ट और सेकंड गाड़ी को कंक्लूजन में निकाला जाएगा। चलिए उस हिसाब से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप कहेंगे कि इतना सारा बोल दिया, कम से कम अब गाड़ी तो दिखा दे। चलिए अगले पॉइंट में मैं गाड़ी को ही दिखाता हूँ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है रोड प्रेजेंस एंड लुक्स। वैसे तो लुक्स और रोड प्रेजेंस में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को हैरियर पसंद हो, किसी को सेल्टस, किसी को हेक्टर, किसी को क्रेटा। लेकिन अगर हम 20 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारी गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा धुआंधार और ज़बरदस्त हो, कि अगर रोड पर लेकर निकले तो लोग इसे मुड़कर जरूर ही देखें। इसलिए रोड प्रेजेंस के मामले में आपको हैरियर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिखती है, क्योंकि इसके फ्रंट के ग्रिल, LED हेडलैम्प, DRL एंड जीनॉन कैसीआईडी हेडलैम्प जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको बोल्ड रखते हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से इसका रोड प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। इसीलिए इन चारों गाड़ियों में से इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर एक दूसरी गाड़ी के बारे में बात करें तो दूसरा है किया सेल्टस, जिसका रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा दमदार है। अगर इस गाड़ी को रात में देखेंगे तो गजब की गाड़ी दिखती है, जैसे लगती है कोई प्रीमियम कार आती हुई दिखाई आपको देगी। इसलिए किया सेल्टस के पीछे LED DRL से वो उसके रोड प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि भाई बाहरी बाहरी गाड़ी तो दिखा दिया, गाड़ी के लुक्स और रोड प्रेजेंस तो दिखा दिया, कम से कम अंदर की चीज़ें भी तो दिखा। तो अगले पॉइंट में इसी पर बात करेंगे, इंटीरियर और स्पेस में। सबसे पहले बात करते हैं हैरियर के इंटीरियर के बारे में। हैरियर के इंटीरियर की बात करते हैं, हैरियर का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग और आकर्षक है। फिट एंड फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हेक्टर के भी जो स्टेयरिंग इंटीरियर है वो काफ़ी आई कैचिंग है, बट फिट एंड फिनिशिंग उसकी भी और प्लास्टिक क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे क्रेटा और सेल्टस की बात करें तो उसकी फिट एंड फिनिशिंग का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसकी फिट एंड फिनिशिंग भी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और यहाँ तक उसकी इंटीरियर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग भी है। और अगर इंटीरियर के प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो उसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्जे की है। वहीं पे क्रेटा और सेल्टस के इंटीरियर का कोई तोड़ नहीं देख निकाल पाए हैरियर और हेक्टर। लेकिन वहीं पे अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में आपको हैरियर और हेक्टर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हैरियर और हेक्टर में काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त स्पेस देखने को मिलता है। लेग रूम हुआ, हेड रूम हुआ, सीट की कुशनिंग हुई, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलते हैं और स्क्रीन इतनी ज़्यादा स्पेस मिलती है कि 3 लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसमें बैठ जाते हैं। अगर चाहें तो 1 बच्चा 4 भी आप इनमें बैठा सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में क्रेटा और सेल्टस का साइज़ थोड़ा कम होने की वजह से उनकी स्पेस में थोड़ी सी ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है जितना ज़्यादा हैरियर और हेक्टर की स्पेस आपको देखने की मिलती है। इसलिए स्पेस के मामले में हैरियर और हेक्टर आगे हैं और इंटीरियर के मामले में क्रेटा और सेल्टस। चलिए अब बोलेंगे कि भाई तूने कम से कम स्पेस के बारे में बता दिया, इंटीरियर भी हमने देख लिया, बैठ के गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, अब कुछ फीचर्स के बारे में बता दे भाई, इस पर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट में फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो हर एक गाड़ी के फीचर्स को एक फीचर्स को बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुमकिन नहीं है, इसलिए हम इसमें उसी फीचर के बारे में बताएंगे जो फीचर्स वाकई में आपकी ज़रूरत में काम आते हैं और रियली में वो फीचर्स आपको डेली लाइफ में मतलब यूज आते हैं। उन्हीं फीचर्स के बारे में हम बताएंगे, वो मेन फीचर्स इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। चलिए उन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। चलिए पहला है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सेल्टस, क्रेटा, हेक्टर, हैरियर तीनों में मिल जाते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले 10 इंच के डिस्प्ले आपको सेल्टस में, क्रेटा में, हैरियर मिल जाते हैं, बट हेक्टर में आपको 17.8 इंच के डिस्प्ले मिलते हैं, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले चारों में मिल जाते हैं।
रियर कैमरा चारों में मिल जाते हैं। अगर देखा जाए रियर कैमरा के, क्रेटा के रियर कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और रही बात 360 व्यू मिरर की बात करें, कैमरा की बात करें, तो उसमें वो आपको सेल्टस में मिल जाती है और हेक्टर में मिल जाती है। रियर एसी भी चारों में मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स केवल आपको क्रेटा में देखने को मिलती है और किसी में देखने को मिलती है। क्रूज़ कंट्रोल चारों में देखने को मिलते हैं, चारों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। पार्किंग सेंसर भी चारों में देखने को मिलते हैं। नेविगेशन भी चारों में देखने को मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट भी चारों में देखने को मिलते हैं। कीलेस एंट्री भी चारों में देखने को मिलते हैं। वॉइस कंट्रोल भी चारों में मिल जाते हैं आपको। एयर प्योरीफायर की अगर बात करें तो सेल्टस और क्रेटा में ही केवल एयर प्योरीफायर देखने को मिलते हैं और हेक्टर हैरियर में नहीं देखने को मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ भी चारों में देखने को मिलते हैं। ड्राइविंग मूड्स जो आपको हैं वो सेल्टस में और क्रेटा और हैरियर में ही देखने को मिलते हैं, हेक्टर में नहीं देखने को मिलते हैं। वायरलेस फ़ोन चार्जर आपको सेल्टस, क्रेटा और हेक्टर में देखने को मिलते हैं, हैरियर में नहीं देखने को मिलते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो 8 स्पीकर्स आपको चारों में देखने को मिलते हैं, एक में जहाँ पे आपको सेल्टस और क्रेटा में बोस के देखने को मिलते हैं, हैरियर वहाँ JBLs के, और हेक्टर में इन्फिनिटी के स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे जरूरत के फीचर्स मैं आपको बता दिया हूँ। अगर फीचर्स के मामले में कोई गाड़ी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए फीचर्स में आपको हेक्टर के और भी कई ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा फीचर्स अगर मैं बताऊं तो हेक्टर में ही आपको देखने को मिलते हैं। फीचर्स के मामले में हेक्टर सबसे आगे है क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, बट क्रेटा भी में भी आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जितने ज़रूरत के फीचर्स है वो आपको क्रेटा में मिल जाते हैं। जैसे वेंटिलेटेड सीट जो है बहुत ज़रूरत की फीचर्स है जो आपको गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, क्रेटा में आपको देखने को मिलती है। और डेली यूज़ में भी ये फीचर्स आ जाते हैं। हेक्टर के बड़ा सा टच स्क्रीन है, बट उसका टच स्क्रीन थोड़ा लैगी है, बट क्रेटा का टच स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बेहतर टच स्क्रीन है जो बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। क्वालिटी जो है वो आपको क्रेटा में ज़्यादा बढ़िया मिल जाते हैं और सेल्टस में। इसीलिए हम बात करें तो फीचर्स के मामले में अगर बात किया जाए तो हेक्टर सबसे आगे है, उसके बाद क्रेटा और सेल्टस इसकी विनर हैं। लेकिन वही बात करते हैं, वही 19-20 का फर्क है क्वालिटी में भी, कि क्रेटा और सेल्टस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है आपको हेक्टर के मुकाबले। चलिए दोस्तों, अब आप बात करेंगे कि भाई फीचर्स तो हो गए, सारे फीचर्स हम गाड़ी में जान गए हैं, अब ये बता गाड़ी के इंजन कैसे हैं, पावरफुल हैं कि ऐसे ही बस हैं। चलिए अब इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर इंजन के बारे में बात करें तो इस सेगमेंट में ज़्यादातर डीजल इंजन ही बिकते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छा माइलेज भी मिल जाता है और पावर भी मिल जाती है। बड़ी SUV होने का पावर ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में, डीजल इंजन के बारे में। केवल क्रेटा में मिलने वाले में क्या मिलते हैं, क्रेटा में आपको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिलते हैं जो आपको 115 PS की पावर देते हैं 215 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आता है। सेल्टस में भी सेम इंजन है, 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर 115 PS की पावर देता है 215 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इसमें भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है। हेक्टर की बात करें, इसमें V8 का 2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन मिलता है जो 170 PS की पावर 315 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आ जाता है। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। हैरियर में भी सेम इंजन यूज़ किया गया 2 लीटर का V8 से लिया हुआ जीप कंपास का फोर सिलेंडर इंजन जो 170 PS की पावर देता है 355 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इसमें भी ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। और क्रेटा की बात करें, सेल्टस की बात करें, तो इसके इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और ठीक ठाक पावर जनरेट कर देते हैं। लेकिन हैरियर और हेक्टर की बात करें तो इसके इंजन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए ही बनाए गए हैं। इंजन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई इंजन के बारे में बता दें, इंजन के पावर के बारे में बता दिया, अब ये भी बता दें कि भाई गाड़ी चलती कैसी, चलने में सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इंजन में केवल पावर ही बस है। चलिए अब इसी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी बारे में। अगर हैंडलिंग की हम बात करते हैं, हैंडलिंग में बाजी पूरी पलटी नजर आती है। इसमें सेल्टस आपको बाजी मार जाती है क्योंकि सेल्टस का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कॉर्निंग करने में आपको सेल्टस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जिसमें कम बॉडी रोल देखने को मिलता है। अगर हैरियर की बात करें तो हैरियर में हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी क्योंकि हैरियर का डिज़ाइन काफ़ी लैंड रोवर डिस्कवरी में होने की वजह से इसको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में बढ़त मिल जाती है और बेस्ट स्टेबिलिटी ये आपको प्रोवाइड करती है। चाहे आप जिस भी स्पीड पे इस गाड़ी को चलाएंगे, ये हैरियर जो है काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगी स्टेबिलिटी के मामले में।
वहीं हैकर में काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलता है और क्रेटा की भी हैंडलिंग स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सब सिटी के लिए ही इसको डिजाइन किया गया है। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको हैरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेगी, इसीलिए इस पॉइंट में आपको हैरियर और सेल्टस विनर नज़र आती है। अब आप बोलेंगे कि गाड़ी की हैंडलिंग स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें चला उला के बता दिया कि भाई गाड़ी चलने में भी कोई ये गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब ये भी बता दें कि भाई जो गाड़ी बेस्ट है तो इनमें से सबसे ज़्यादा सुरक्षित गाड़ी कौन सी है, सेफ्टी कौन अच्छा प्रोवाइड करती है, उसी के बारे में बात करते हैं इसी पॉइंट में, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स में। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हैरियर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हाँ ये बात तो सही है, बट MG हेक्टर क्रेटा सेल्टोस की भी बिल्ड क्वालिटी किसी भी तरीके से ख़राब नहीं है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए इन चारों की बिल्ड क्वालिटी में कोई ज़्यादा कमी है मुझे नहीं देखने को मिलती है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स में भी कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात बता दे रहा हूँ। 360 कैमरा जो हैरियर में नहीं मिलता है और हेक्टर और सेल्टोस में और देखने को मिलता है। 6 एयरबैग चारों में देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल चारों में देखने को मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटर चारों में देखने को मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको हैरियर मिलता है और हेक्टर क्रेटा और सेल्टोस में नहीं मिलता है। जिनोन की HID हेडलैम्प जो आपको केवल हैरियर में देखने को मिलता है उन तीनों में नहीं देखने को मिलता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल हैरियर में नहीं मिलता और तीनों में देखने को मिलता है। रोल ओवर मिटिगेशन हैरियर में मिलता है और क्रेटा में केवल मिलता है और सेल्टोस हेक्टर में नहीं मिलता। कॉर्निंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जो आपको हैरियर क्रेटा मिलता है उन दो और हेक्टर और सेल्टोस में नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको हैरियर क्रेटा में मिलता है, सेल्टोस हेक्टर में नहीं मिलता है। ब्रेक असिस्ट केवल आपको सेल्टोस में मिलता है और तीनों में नहीं देखने को मिलता है। हेल असिस्ट चारों में देखने को मिलता है। सॉरी अगर मैंने बताया था कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में अगर मैं बताऊं तो हैरियर क्रेटा बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है, हेक्टर सेल्टोस काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आ रही है। हैरियर की सेफ्टी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी लैंड रोवर डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म को शेयर करती है, जिसके कारण इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा ट्राई एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और इसको अच्छे सेफ्टी रेटिंग भी मिली है इस प्लेटफॉर्म को। क्रेटा की अगर बात करें, क्रेटा का भी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको भी अच्छे स्कोर्स मिले हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग में और सेफ्टी के मामले में भी क्रेटा हैरियर से कम नहीं है। तो देखा जाए अगर बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी के मामले में तो हैरियर और क्रेटा विनर है। अब आप बोलेंगे कि भाई तूने तो सारा सेफ्टी फीचर्स बता दिया, अभी पता चल गया कि कौन गाड़ी सेफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़िया है, अब तो ये बता दें कि इस गाड़ी का 20 लाख रुपये मैं लगा रहा हूँ तो किस गाड़ी में अच्छी सर्विस मिल जाएगी। तो चलिए उसी सर्विस के ही बारे में बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट सर्विस का है, जिसमें क्रेटा की जो सर्विस है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हुंडई अपनी सर्विस क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता है, उसकी सर्विस क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, अपने कस्टमर को काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाइड करता है। सबसे बड़ी बात है हुंडई में यह कि उसके सर्विस स्टेशन सबसे ज़्यादा नंबर में है। वहीं किया MG अभी नई कंपनी है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ सर्विस के बारे में नहीं बताया जा सकता, और टाटा की सर्विस में धीरे धीरे भी सुधार हो रहे हैं, तो इसीलिए क्रेटा की या फिर हुंडई की सर्विस का ये तीनों अभी मुकाबला नहीं कर सकते, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्रेटा इस पॉइंट में क्लियर विनर है। तो अब तो हो गया सर्विस की भी बात, अब बोलेंगे आपकी सर्विस के बारे में भी बता दिया मुझे, अब चल भाई बता दे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चल अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कंक्लूजन के पॉइंट में कि कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। अगर कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हैरियर जो है, आप हैरियर को 7 में से 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं, वहीं पे आपको क्रेटा को 7 में से 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, हेक्टर को 7 में से 3 पॉइंट्स और सेल्टोस को भी 7 में से 3 पॉइंट ही देखने को मिलता है। हैरियर क्लियर कट विनर इसमें इस कंपेरिजन में दिखती हुई नज़र आती है, लेकिन क्रेटा भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म किया है इस सेगमेंट में। अगर बात करें तो हैरियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती हुई नज़र आती है, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स को भी उसने गेन किया है। हैरियर फर्स्ट पोजीशन पर रखते हुए हम क्रेटा को सेकंड पोजीशन पर रखते हैं, इसलिए इसमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब हम इसमें अगर बात करें तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है, हाईवे पे चलना है, ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई गाड़ी लेके चलें तो काफ़ी बढ़िया हमें डैशिंग लुक मिले, रोक माई गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखें तो, और पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग का भी हम मैं मज़ा ले सकूं और हाईवे पे भी चलने में काफ़ी ज़्यादा दमदार फील हो और गजब की सेफ्टी दे, तो आप आँख बंद करके हैरियर उठा लीजिए। हैरियर का ऑटोमेटिक उठाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक चलाने में आपको हैरियर अगर सिटी में भी चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर पड़ेगी।
लेकिन वहीं पे आप अगर सिटी में चलना चाहते हैं, डिसेंट माइलेज ज़्यादा आपको प्रीफर करते हैं और आपको पेट्रोल इंजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़्यादा सिटी में चलते हैं पेट्रोल इंजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप क्रेटा का DCT ले लीजिए, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। हाईवे पे चलिए चाहे जिस रोड पे चलिए, थोड़ा बहुत हर जगह क्रेटा भी लोड उठा ही लेगी किसी भी तरीके से। इसलिए अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना है तो क्रेटा का DCT लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा। और अगर डीजल में लेना है तो आप हैरियर का ऑटोमेटिक लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए पड़ेगा। चाहे आप सिटी में चलिए, ऑफ रोडिंग करिए, चाहे आप हाईवे पे चलिए, जिस रोड पे चलिए, आपको बेहतर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।